वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। बजट में कोशिश होगी आम आदमी पर मजीद बोझ ना डाला जाए। IMF पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी की इजाजत देता है। पोलिटिकल स्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता। हम IMF प्रोग्राम में हैं और हम मुस्तकिल इंगेज्ड हैं IMF के प्रोग्राम में। बजट इन एनी केस हमें इस तरह ही तैयार करना है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हम सब जानते हैं कि ये एक रियालिटी है हमारी, तो उसी हिसाब से बजट तैयार हो रहा है और उनसे शेयर भी होगा। हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह बजट बना लें कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके रिलीफ दें, आम आदमी पे अब और बोझ ना पड़े। वी आर ट्राइंग टू मेक इट कि प्रेजेंटेशन इसको नेशनल असेंबली को 9 जून को हो जाए। जब हम इसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं, जाहिर है हर कोई इसके सेकंड प्लान बी वगैरह भी लोगों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे। हमारी कभी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। ऑलरेडी कर चुके हैं एक दफ़ा IMF इस प्रोग्राम को एक्सटेंड, तो इसकी एक्सटेंशन की तो बात अभी वो मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। IMF के प्रोग्राम में सब्सिडीज, इफ दे आर टारगेटेड सब्सिडीज आर अलाउड।